दोस्तों, ये बहुत कॉमन सा वीडियो है, खास करके फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम कोई ऐसा खाना खाते हैं जो तेलीय खाना है, या फिर जिसको हम बोलते हैं ऑयली फूड्स हैं, या फिर जिसको और हिंदी में हम बोलते हैं गरिष्ठ भोजन, तो उसको खाने की वजह से हमें गैस बनती है, पेट में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा हम नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मल खाते हैं, नॉर्मल परहेज रखते हैं, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। खास करके सिम्टम फीमेल पेशेंट्स होती हैं वो बताती हैं, और चाहे उनके लीवर में स्वेलिंग हो रही हो, चाहे जीवी में स्वेलिंग हो रही हो, गॉल ब्लैडर में सूजन आ रही हो, या फिर वो चाय ज़्यादा पीते हो, या कुछ भी कारण है, बट ये सिम्टम प्रेजेंट है कि ऑयली चीज़ें खाने से, तेल वाली चीज़ें खाने से, गरिष्ठ भोजन खाने से, या फिर हलवा पूरी कचौरी पेस्ट्री मांस या फिर आइसक्रीम खाने से प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे जितने भी मैंने नाम लिए हैं, अगर ये चीज़ें खाने से आपको प्रॉब्लम होती है, किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है? गैस बनने की। कि डॉक्टर साहब, हम नॉर्मल रहते हैं, परहेज करते हैं, बढ़िया रहते हैं, फिट रहते हैं, बट जैसे ही हम हफ्ते में एक आध बार या 15 डेज में एक बार ये चीज़ें खा लेते हैं या मीट खा लेते हैं, तो हमें पेट के अंदर बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, गैस बहुत बनती है, हाइपर एसिडिटी रहती है। कभी गैस हमें यहाँ पे परेशान करती है, कभी गैस हमें यहाँ पे परेशान करती है। और ये जो मेडिसिन है, इसमें एक सिम्टम और खास सिम्टम आता है कि हम कुछ भी खाते पीते हैं, जनरली हम कुछ भी खा पी रहे हैं, जैसे ऑयली हम चीज़ें हम खा लेते हैं, तो हमें यहाँ पे फील होता है कि हमारे यहीं पे अटक चुका है, वो नीचे नहीं जा रहा है, ऐसा फील होता है पेशेंट को कि हमारा पेट यहाँ से फुल हो चुका है, भारीपन यहाँ पे हो चुका है, कोई चीज़ यहाँ पे अटक गई है, पत्थर जैसी यहाँ पे सेंसेशन है, मतलब हैवीनेस उसको बहुत ज़्यादा हो रही है। और इसके अलावा मुंह का टेस्ट उसको अच्छे से नहीं आता, कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि सभी पेशेंट के अंदर हो। बाकी उसको यहाँ पे बोझ महसूस होता है, ये मैंने आपको बता दिया है, और जिस जिस चीज़ से प्रॉब्लम होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। पेशेंट को प्यास कम लगती है, इस चीज़ का आपने और ध्यान देना है। तो ऐसे में एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, यहाँ पर मैं आपको दो होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगा। पहली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है पल्सेटिला, बहुत अच्छी बहुत शानदार मेडिसिन है। जिसको भी इस तरह की प्रॉब्लम है उसको पल्सेटिला लानी चाहिए। पल्सेटिला लाइए, 30 पावर में लाइए, 30 पावर में आप लाइए। इसकी पाँच पाँच बूंदें सुबह शाम आप ले लीजिए, 2-3 चम्मच पानी में डाल के। अब ये प्रॉब्लम चाहे मेल को है या फिर फीमेल को है, मेडिसिन दोनों ही लोग यूज़ कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि मैंने फीमेल को बताया तो फीमेल ही यूज़ करेंगे, मेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो 30 पावर में पाँच पाँच बूंदें सुबह शाम 2-3 चम्मच नॉर्मल पानी में खाने से पहले इस मेडिसिन को कंटिन्यू आप 15 डेज लीजिए, ठीक है? इसके बाद में आप मेडिसिन बंद कर दीजिए दोस्तों, पहली मेडिसिन। सेकंड मेडिसिन आपको लानी है होम्योपैथी की, कैरिका पपाया। ये पपीते से बनी हुई, पपाया से बनी हुई होम्योपैथिक मेडिसिन है, जहाँ पर पेशेंट को गैस बहुत ज़्यादा बनती है, जनरली भी गैस ज़्यादा बनती है, या फिर ऑयली चीज़ें खाने से गैस ज़्यादा बनती है, तेल वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, अगर वो हैवी डाइट ले ले या फिर दूध पी ले तो उससे तो और भी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होती है, इनडाइजेशन उसको हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में कैरिका पपाया होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसका आप मदर टिंचर लाइए। इसके आपने 15-15 बूंदें दिन में 3 बार आधे कप ताजे पानी में सुबह दोपहर शाम आप लीजिए, खाने के आधे घंटे बाद आपको ये दवाई लेनी है। तो खाने से पहले दिन में 2 बार पल्सेटिला, और खाने के बाद आपने दिन में 3 बार कैरिका पपाया लेनी है। इस तरीके से आपको मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। इन मेडिसिन का कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, आपको किसी भी आसपास होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देने की मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त परेशान हो जाते हैं कि हम कहाँ से लें कहाँ से लें, तो आप देख सकते हैं नीचे लिंक में जाके। दोनों ही मेडिसिन सस्ती हैं, कोई भी इनका ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, और कंटिन्यू आप इसको इस्तेमाल कीजिए, 15-20 दिन यूज़ कीजिए, इसके बाद में आप मेडिसिन छोड़ दीजिए। इसके बाद में आप देखेंगे आपकी कंडीशन ठीक होने लगी है। अब कंडीशन ठीक होने का मतलब ये नहीं कि आपको मतलब स्टार्ट कर दें आप कि हम डेली पूरी खाते हैं, इससे भाई नुकसान होते हैं, फैटी लीवर होता है, एसिड ज़्यादा बनता है, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है, और गैस्ट्रिक हेडेक की प्रॉब्लम होती है, कई तरीके की समस्याएँ होती हैं। तो जनरली लीजिए, कभी कभी लीजिए, लिमिट में लीजिए, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, बस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना यार, ठीक है? थैंक यू सो मच।